राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान की करीब 1,40,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे। बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी डिजिटल मोबाइल स्कीम के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन और सिम देने के लिए कैंप लगवा रही थी। इसी बीच राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई, लेकिन आचार संहिता को भांप कर अशोक गहलोत ने आचार संहिता से पहले ही महिला वोटरों को साधने के लिए कैंप लगवाकर महिलाओं को स्मार्टफोन बंटवा दिए थे। बता दें कि पहले चरण में 40,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने की बात कही गई थी। राजस्थान सरकार की इस योजना का फायदा सभी वर्ग की महिलाओं को मिलने की भी बात पूर्व सरकार कह रही थी। सीएम अशोक गहलोत ने 9 अगस्त 2023 को ही मानगढ़ धाम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाथों बांसवाड़ा की आदिवासी बेटी को पहला फ्री स्मार्टफोन दिलवाकर और इसका लोगो पब्लिक करके योजना का शुभारंभ तो कर दिया था। इस योजना में सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राएं, उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं, विधवा एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी मनरेगा योजना में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया, वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया को मिलने वाले थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा कांग्रेस की इस योजना को दोबारा लागू करेंगे? अगर लागू करेंगे तो कब करेंगे, कैसे करेंगे और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा? वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।